फायर एंड आइस जो आज हम डिस्कस करेंगे तो रॉबर्ट फ्रॉस जो पोए हैं उन्होंने ही ये दोनों लिखी हैं पोए भी और फायर एंड आइस भी अब आपको हर एक हर एक एक चैप्टर के और पोइट्स को ध्यान में रखना है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर आपको एक एक्सट्रैक्ट एक बेस्ड क्वेश्चन आता है दैट इज अगर आपको कोई भी वन ऑफ दिवन हो वन ऑफ दैराग्राफैंड ऑफ द चैप्टर

आइज ये भी लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्लियर अब दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल पोयम जिसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर ये पूरा वर्ल्ड ये पूरी दुनिया पेरिश हो जाती है खत्म हो जाती है डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसके रीजंस क्या होंगे ये पोयम एक सिंबॉलिक पोयम है सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के लिए सिंबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं यानी अगर हम एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो कि किसी और चीज़ के बारे में हमें सिंबल दे रहा है हमें सिग्निफाई कर रहा है हमें बता रहा है दैट इज़ वॉट वी मीन बाय अ सिम्बोलिक पोएम क्लियर अब ये जो फायर और आइस है द टाइटल ऑफ द पोएम इसमें ही अगर हम देखें तो फायर किसी एक चीज को और आइस किसी दूसरी चीज को सिंबलाइज कर रहा है क्लियर अब हम अगर ये सोचें कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है दैट इज वो जो क्वालिटीज है या बोल सकते हो वो कौन से चीजें हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स में आपस में जो है ह्यूमैनिटी पेरिश होती जा रही है क्लियर एक दूसरे के लिए जो अच्छी सोच है वो खत्म होती जा रही है एंड फाइनली अगर यही चीज बढ़ती जाएगी इसका बार बढ़ता जाएगा देन फाइनली जो वर्ल्ड है वो भी पेरिश हो जाएगा क्लियर अब ऐसी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो रॉबर्ट फ्रॉस ने अपनी पोएम में सिग्निफाई की हैं वो है डिजायर एंड हेटरेट डिजायर का मतलब जब हमें हर किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि एक मन होता है राइट कि ये भी हमारा हो ये भी हमारा हो दैट इज़ व्हाट अ डिज़ायर मीन्स राइट किसी की विश विश भी कैसे जब हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक यू नो हो, फायर होती है अंदर कि भाई चाहिए तो चाहिए राइट right? अब ये जो डिजायर है इसे आप बोल सकते हो धीरे धीरे सेल्फिशनेस ग्रीडीनेस इन सब में चेंज होती जाती है राइट right? तो क्या होगा फाइनली ह्यूमन बींग्स में जो ये डिफरेंट डिजायर्स है जो आपको चीजें चाहिए लाइफ में कि भाई ये भी मेरा हो ये भी मेरा हो ये सारे जो डिजायर्स हैं फाइनली क्या करते हैं भाई आपको सिर्फ हर एक इंसान से अलग करते हुए जा रहे हैं और अल्टीमेटली ये जो डिजायर्स हैं ये वर्ल्ड को एंड कर सकते हैं क्लियर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हेटरेड जो हेट है ह्यूमन बींग्स में जो हर किसी के लिए आप ये सोचते हो भाई हमें किसी पे विश्वास नहीं है ये भी हमको पसंद नहीं है राइट ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो जो ह्यूमन बींग्स के बीच में एक दूसरे के लिए हेटरेड बढ़ता जा रहा है दैट कैन ऑल्सो बी वन मोर रीजन जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड एंड हो सकता है क्लियर तो रॉबर्ट फ्रॉस ने बहुत ब्यूटीफुली डिजायर और और हेटरेट को फायर आइस से कंपेयर करते हुए कुछ ब्यूटीफुल लाइंस लिखी हैं विच इज टाइटल्ड एज फायर एंड आइस क्लियर तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट हु इज रॉबर्ट फ्रॉज सो फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट

द डे वेन ही डाइड बट एक्चुअली अगर इतना भी आपको पता हो कि भाई द पोएम इज रिटन बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो भी, वो भी अच्छा लगता है राइट अगर आपको समरी लिखनी है अपनी पोएम की इन द एग्नेशन एंड इफ यू बिगेन बाई इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर ऑफ द पोएट वट एवर इज आस्ट अगर आपको समरी ऑफ द चैप्टर पूछा है यू विल इंट्रोड्यूस दर इन लाइन एंड इफ द समरी ऑफ द पोएम इज आज यू कैन इंट्रोड्यूस द पोएट इन लाइन राइट तो अगर आपको इंट्रोड्यूस करना ऑथर या पोइट को तो कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए और बेसिकली आप क्या लिख सकते हो कि भाई वो पोएट कौन है उनका नाम ही और शी इज अ ब्यूटिफुल पोएट हैज रिटर्न अलयम विच इज वट एवर इज द टाइटल क्लियर और अगर आप ये भी ऐड करना चाहो फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट फ्रॉस वॉज एन अमेरिकन पोएट हु हैज अ ब्यूटिफुल पोएम फायर एंड आई क्लियर तो ये जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस के थ्रू लिखी गई है नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लाइंस ऑफ द पोएम और लाइन बाय लाइन हम समरी देखते हैं ऑफ द दोए क्लियर फायर एंड आइस द टाइटल ऑफ द पोएम सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस अब यहां तक ये जो सम से है ये एक साइंटिफिक फैक्ट लिखा हुआ है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि एक दिन जो वर्ल्ड है जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होगा पूरी तरीके से जो वर्ल्ड है वो हीट फायर जो है उससे जल जाएगा एंड द वर्ल्ड विल एंड तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर इसका मतलब है कि कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से खत्म हो जाएगा एंड सम से इट विल एंड इन आइस दिस मीन्स कि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बल्कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा द टेम्परेचर विल फॉल डाउन टू अ वेरी लो लेवल और जिसकी वजह से द वर्ल्ड विल एंड क्लियर तो ये तो एक साइंटिफिक थ्योरी है कि हाँ भाई कुछ लोग कहते हैं कि हीट बढ़ जाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं भाई टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बल्कि टेम्परेचर गिरेगा इट विल फॉल डाउन और इसकी वजह से द वर्ल्ड विल एंड क्लियर फ्रॉम व्हाट आई डिजायर पोइट कहते हैं बट जो मैंने देखा है फ्रॉम व्हाट आई डिजायर यानी अगर मुझे बात करनी हो डिज़ायर की विश की ठीक है तो अगर मैंने उसे टेस्ट किया है या मैं बोलूं कि मैंने जब लोगों को के डिज़ायर्स के बारे में देखा है मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं आई होल्ड विद फेवर फायर मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ या मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर

पोइट का यह मानना नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ने से अर्थ खत्म होगी उनके लिए फायर का मतलब क्या है डिजायर यानी कि जो होता है ना बर्निंग डिजायर जो आप फायर से कंपेयर कर सकते हो यानी किसी के अंदर वो फायर होती है ना बहुत आग है इस इंसान में इस को पाने की राइट right? तो वहां आपने फायर को कंपेयर करते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि आई विल डेफिनेटली सपोर्ट द पीपल जो कहते हैं कि दर्ल्ड विल एंड इन फायर क्लियर बट इफ इट हैड टू पेरिश ट आई थिंक आई नो इनफेट बट पोइट का मानना है कि अगर वर्ल्ड जो है वो दो बार खत्म होगा पेरिश का मतलब क्या होता है डाय ठीक है डिस्ट्रॉय हो जाना एंड हो जाना तो पोइट कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि अगर मैं ऐसा चाहूँ या ऐसा कहूं कि वर्ल्ड जो है वो दो बार फिनिश होगा दो बार पेरिश होगा दो बार उसकी बोल सकते हो एंडिंग होगी देन आई थिंक आई नो इनफ हेट तो मैं डिजायर की बात तो कर चुका हूँ बट मैं हेट के बारे में भी कहना चाहूंगा कि भाई ये जो हेट है दुनिया में जो ह्यूमैनिटी खत्म हो रही है लोगों में एक दूसरे के लिए हेटरेड बढ़ रहा है उस हेट को अगर मैं कंसिडर करूँ टू सेट फॉर डिस्ट्रक्शन आईज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस तो फिर मेरा मानना है कि भाई फिर आइस का जो थॉट है कि कुछ लोग कहते हैं कि आइस में जो है पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर मैं अगर हेट को कंसीडर करूं तो फिर मैं आइस वाला फैक्ट भी सपोर्ट करूंगा कि हाँ भाई अगर दुनिया दो बार पेरिश होती है तो फिर वो आइस से भी पेरिश या डाई कर सकता है क्लियर सफाइस का मतलब एंड वुड सफाइस सफाइस मींस बी सफिशिएंट यानी कि द रीजन For the earth,

है इट कुड आल्सो सफाइस यानी इट कैन आल्सो बी सफिशिएंट रीजन क्लियर तो लाइन बाय लाइन समरी हमें क्लियर है इन शॉर्ट अगर हमें बोलना है कि एक पूरा कंक्लूजन लेना है पोयम का तो यहाँ पोएट का मानना है कि दो चीजें हैं जिसकी वजह से दुनिया खत्म होगी यानी उनका ये साइंटिफिक फैक्ट को मानने की बात नहीं है उनका मानना है जो ह्यूमन बीइंग्स में हेट्रेट और डिजायर बढ़ रहा है ये दो कारण हो सकते हैं फॉर द वर्ल्ड टू पेरिश क्लियर तो लाइन बाय लाइन हमें क्लियर हो गया है कि पोएट ने हर एक लाइन में क्या कहा है क्लियर नाउ लेट सी द कंप्लीट समरी ऑफ द पोएम फायर एंड आईज इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसके थ्रू लिखी गई है पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अफुल शॉर्ट पोएम इन दिस पोएम द पोएट रेफर्स टू टू प्रिडिक्शन Of how the world will end. इस में पोइट ने दो चीजें प्रिडिक्ट की हैं, राइट right? क्या फोरकास्ट किया है ऐसा उन्होंने सपोज किया है कि भाई मुझे लगता है दो चीजों की वजह से दुनिया खत्म हो सकती है पहला फायर दूसरा आइस सम से इट विल एंड इन फायर वेरास अदर्स से इट विल एंड इन आइस कुछ लोग कहते हैं कि भाई फायर की वजह से यानी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई आइस होगा वो रीजन जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर डिजायर वेरी इंपॉर्टेंट ये बार बार अगर आपको इस पोएम में से देखो इतनी छोटी सी पोएम है क्वेश्चन आएंगे भी तो क्या आएंगे राइट right? कि भाई पोएट ने फायर को किससे कम्पेयर किया है आइस को किससे कम्पेयर किया है वो कौन से दो रीजनस हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड पेरिश हो सकता है फिर आपको पेरिश और जो सफाइस वर्ड है इनके सिन पूछे जा सकते हैं वट एल्स कैन बी आज इन दिस राइट right? या फिर आपको ये पूछी जा सकती है कि भाई हाँ मुझे आप कुछ अराउंड 80 टू 100 वर्ड्स में पूरी समरी लिख के बताइए राइट right? तो फिर आपको इनके अलावा आई डोंट थिंक और कोई क्वेश्चन पॉसिबल है पूरी पोएम में सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी लाइन क्लियर तो अकॉर्डिंग टू पोएट फायर का मतलब है डिजायर ठीक है इसके पहले जो सम से द वर्ल्ड विल इन फायर उनका मतलब एक्चुअल फायर से है यानी टेम्परेचर बढ़ेगा सब कुछ जल जाएगा राइट right? और आइस का मतलब उनका क्या है कि टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि लोगों की जो बोल सकते हो ना कि लिविंग कैपेबिलिटी या फिर जीने की जो क्षमता है वो नहीं रहेगी ठीक है हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही रह सकते हैं अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो पूरी दुनिया जो है वो जीवित ही नहीं रहेगी राइट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल टू लिव तो वो रीजन है बट पोएट ने क्या किया है उन्होंने फायर को डिजायर से और आइस को हेटरेट से कंपेयर किया अकॉर्डिंग टू पोएट द फायर फॉर डिजायर ग्रीड एवरेस्ट और लास्ट यानी किसी भी चीज को पाने की बहुत स्ट्रांग जो बिलीव होता है उसे आप कह सकते हो या जो लालच होती है उसे कह सकते हो कि भाई दिस इज व्हाट द पोएट मींस बाय द वर्ड फायर क्लियर यानी आपको डायरेक्टली जो लाइंस गिवन है पोयम की उसमें तो फायर को डिजायर से कंपेयर करते हुए देखा है बट उस डिजायर का मतलब क्या है किसी भी चीज को पाने की वो स्ट्रांग विल बिलीफ राइट वो बोल सकते हो एक ग्रीड जो है लालच जो है एक सेल्फिशनेस जो है कि हाँ भाई सब कुछ मुझे मिल जाए वो चीज जो है पोएट ने फायर से कंपेयर किया है क्लियर द मोर यू ट्राई टू सैटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो देयर इज नो एंड टू इट सेम वे अगर फायर की बात करो फायर अगर बिगिन हो राइट स्टार्ट हो तो क्या होगा धीरे-धीरे वो बढ़ती जाती है राइट धीरे-धीरे क्या होगा अगर आपने एक बस एक छोटा सा बोल सकते हो एक हिस्सा ले लिया लैंड का वहां पे आपने फायर ग्रो कर दी ठीक है जला दिया आपने वहां का एरिया धीरे धीरे क्या होगा वो पूरा एरिया जो है जल जाएगा राइट right? तो फायर क्या करता है धीरे धीरे ग्रो करता है सेम वे में जो डिजायर्स हैं आपके जितना आप जो है उनको सैटिस्फाई करते जाते हो जितना आप अपने डिजायर्स को फुलफिल करते जाते हो उतने डिजायर्स आपके बढ़ते हैं राइट दे नेवर एंड वो ग्रो ही होते हैं तो सेम वे में पोएट ने फायर और डिजायर को कंपेयर किया है दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर डिज़ायर का क्या है भाई कि वो जैसे फायर जो है बढ़ती जाती है बहुत तेजी से बढ़ती है राइट वैसे ही डिज़ायर्स को भी कम टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत कम समय में वो बहुत एकदम से बढ़ जाता है एंड इनगल्फ योर होल लाइफ और वही डिज़ायर्स आपकी पूरी जिंदगी को खा जाते हैं इनगल्फ कर जाते हैं निगल जाते हैं क्लियर तो जो डिजायर आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं बोलना चाहिए जो आपकी विश है आपके ड्रीम्स है बट जैसे ये में कंपेयर होते कि नहीं भाई चाहिए ही चाहिए ही तब क्या होता है आपकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे एंड होने लगती है वन बिकम सेल्फिश एंड समाइम्स क्रूअल ऑल्सो क्या होता है धीरे धीरे डिजायर्स जो हैं अगर आपके पूरे होने लगते हैं या फिर आपको एक चीज जो है मिल जाती है तो आप धीरे धीरे सेल्फिश होते जाते हो कि हाँ भाई ये मिल गया मुझे ये भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए राइट right? तो वो ग्रीड बढ़ता जाता है वो सेल्फिशनेस बढ़ती जाती है और धीरे धीरे क्या होता है आप क्रूअल हो जाते हो आपका नेचर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है आप किसी से भी अच्छे से बात नहीं करते हो जस्ट बिकॉज आपके डिजायर पूरे हो जाते हैं तो आप मी माई सेल्फ मे रह जाते हो और किसी और से ढंग से बात करने की कोशिश नहीं करते हो तो अल्टीमेटली डिजायर क्या करता है वो आपकी लाइफ को खत्म कर रहा है डिस्ट्रॉय करता है ऑन द अदर हैंड आइज अकॉर्डिंग टू द पोइट स्टैंड रिजिडिटी अब आइस को कंपेयर किससे किया है पोइट ने देखो आइस क्या है? एक rigid, right? Cold चीज़ है अब इसका मतलब ये नहीं की सामने वाला जो है वो कूल cool है एज अ आइस इसका मतलब होता है कि वो जो कोल्डनेस है उसमें वो जो गुस्सा है जो टफनेस है जो हेटरेड है किसी के लिए भी बोलते ना जो पत्थर दिल है स्टोन हार्टेड है वो सारी चीजें आइस से कंपेयर की है पोइट ने

The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way in fire or in ice. तो पोइट का अल्टीमेट जो कहना है वो ये है कि भाई इतनी तेजी से इतनी रैपिडली ये सेल्फिशनेस हेटरेट डिजायर्स ग्रीडीनेस ये सब बढ़ रहे हैं इंसानों में कि इसकी वजह से वर्ल्ड जो है अगर खत्म होगा एंड होगा तो वो दोनों में से किसी भी एक रीजन की वजह से हो सकता है इट कैन ईदर भी फायर और इट कैन भी आइस क्लियर ऑल अब हमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गिवन हैं रिगार्डिंग दिस पोएम ठीक है और हमें ऑलरेडी समरी क्लियर हो चुकी है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये पोएम लिखी किसने भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ठीक है इस पोएम को आप बोल सकते हो ये एक तरीके की सिम्बॉलिक पोयम है क्योंकि देखो आप हेटरेट को आइस से और डिजायर को फायर से सिम्बलाइज कर हो राइट दूसरी बात आपको क्या देखना है कि भाई जो ये टाइटल है फायर और आइस का मतलब क्या है कि कुछ लोगों का मानना है फायर और कुछ लोगों का मानना है आइस रीजन होगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया पेरिश हो जाएगी खत्म हो जाएगी और वहीं पोइट ने फायर को डिजायर से और आइस को हेट्रेड से कंपेयर करते हुए कहा है कि येस ईदर द डिजायर और देट्रेड ऑफ ह्यूमन बींग कैन बी द रीजन

देर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड द वर्ल्ड आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है कि आपको क्या लगता है कि क्या वर्ल्ड एक दिन एंड हो जाएगा या फिर ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी है सन गेट्स सो हॉट दैर इर्स्ट और ग्रोस कोल्ड एंड कोल्ड क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक दिन ऐसा हो कि सन का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए ऑलरेडी इतना टेम्परेचर है बट बहुत ज्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से सन जो है वो बर्स्ट हो जाए या फिर सन का टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाए और बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हो कोल्डनेस आ जाए राइट right? क्योंकि सन ही है जिसकी वजह से क्या होता है एक टेम्परेचर मेंटेन होता है राइट बट अगर सन ही नहीं हो वो खुद ही एक वो कोल्ड बॉडी बन जाए देन क्या वर्ल्ड एंड होगा तो आपसे पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है सबसे पहले बोला है कि लोगों के क्या आइडियाज है तो वो आपको अकॉर्डिंग टू मेंशन करना है देन आपको खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है चलिए आंसर देखते हैं देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज हैं कि वर्ल्ड एंड कैसे हो सकता है आई beginning बिलीव दैट द वर्ल्ड बहुत अच्छी पॉइंट लिखा है कि मुझे भी लगता है यानी जो राइटर है उसका भी मानना है कि बिल्कुल वर्ल्ड जो है एक ना एक दिन एंड होगा क्योंकि अगर किसी चीज की बिगनिंग होती है शुरुआत होती है तो उसका एंड उसका अंत भी होता है क्लियर तो यस yes, जो भी एक सैंपल आंसर है कि यहां पर हम मान रहे हैं कि हाँ वर्ल्ड विल एंड वन डे दिस स्टैंड ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो और बिल्कुल सेम वे में जैसे जिसकी भी बिगनिंग होती है उसका एंड होता है ये पॉइंट वर्ल्ड के लिए पूरी दुनिया के लिए भी बोल सकते हो कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है

तो उतनी इंटेंसिटी की हीट आई डोंट थिंक कोई भी सहन कर सकता है राइट देर इज नो बडी ऑन टेंपरेचर को सहन कर सकता है तो अल्टीमेटली क्या होगा अगर सन जो है बर्स्ट हो जाएगा इतने हाई टेम्परेचर की वजह से तो वर्ल्ड इज एंड और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बट इफ सन ग्रुप कोल्डर एंड कोल्डर एवरीथिंग विल कम टू एन एंड एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड

नहीं है क्लियर तो इस क्वेश्चन को आपको पूछा क्या गया था सबसे पहले कि कितने सारे लोगों के व्यूज हैं आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इन फायर एंड सम बिलीव एंड इन आइस तो आप चाहो तो ये लाइन भी यहाँ पर एड कर सकते हो डिपेंड्स आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है क्लियर बट आई वुड रियली एडवाइज यू कि हमेशा कोशिश करो कि जो चैप्टर या जिस पोयम से आपको पूछा गया है क्वेश्चन उसका कुछ ना कुछ लाइंस जो है यहाँ पर मेंशन करो लाइंस यानी एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं यानी उनका कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन यहाँ पर लिखने की कोशिश करो क्लियर फिर आपसे पूछा था आपका क्या मानना है और अगर आपको एक हिंट दे दी कि सन का टेम्परेचर बढ़ता जाए कि वो बर्स्ट हो जाए या सन का टेम्परेचर कम होता जाए कि वो कोल्डर या कोल्डर होता जाए

आइस का क्या होता है कि जब आप स्टोन हार्टेड कोल्ड पर्सन हो जाते हो हर चीज के लिए इनसेंसिटिव हो जाते हो दैट इज वॉट वी मीन बाय आइस राइट तो हमें फायर और आइस का मीनिंग पता है अब इन वर्ड्स का मीनिंग भी अगर हमें पता हो देन वी कैन डेफिनेटली पुट दीज वर्ड्स इन द कॉलम ऑफ फायर और आइस राइट फर्स्ट वर्ड इज ग्रीड ग्रीड मीन्स लालच राइट right? किसी चीज के लिए जब आपको वो होता है ना कि वॉन्ट एक कि मुझे ही चाहिए हर चीज ये भी मुझे मिल जाए हर चीज की ज्यादा जब आपको लगता है कि मुझे हर चीज ज्यादा मिले दैट इज वॉट ग्रीड नेक्स्ट इज एवरेज एवरेज द सेम थिंग जब आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा नीड होती है कि भाई अनवॉन्टेड होता है ना जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा मोर देन एनीथिंग वेन यू वॉन्ट दैट इज ऑल्सो एवरेज नेक्स्ट इज क्रुएलिटी क्रुएलिटी यानी कि जब कोई पर्सन क्या होता है किसी के लिए बहुत बोल सकते हो एक नेगेटिव या गलत बिहेवियर दिखाता है राइट right? जब आप इनसेंसिटिव होते हो किसी के लिए क्रूअल हो जाते हो कठोर हो जाते हो दैट इज वॉट क्रुअलिटी मीन्स नेक्स्ट इज लास्ट लास्ट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग वेन यू स्ट्रांगली वॉन्ट समथिंग जब किसी चीज का स्ट्रॉन्ग वॉन्ट होता है दिमाग में दैट इज वॉट अ लास्ट मीन्स नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जब झगड़े होते हैं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसे आप क्या कहते हो कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट फ्यूरी फ्यूरी मीन्स होता है वॉयलेंस राइट right? जब आप बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाते हो गुस्से वाले हो जाते हो दैट इज वॉट फ्यूरी मीन्स नेक्स्ट इज इन टॉलरेंस इन टॉलरेंस मतलब जब किसी चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते दैट इज इन टॉलरेंस यानी आपको जब किसी भी फीलिंग किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज से आप जो है स्टैंड नहीं करते हो कि नहीं भाई मैं टॉलरेट नहीं कर सकता ये चीज भी गलत है ये भी चीज गलत है वो क्या हो जाता है इन टॉलरेंस राइट नेक्स्ट इज रिजिडिटी कठोरता यानी आप जो हो रिजिट होर चीज के लिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यू आर अ पर्सन हु इज कोल्ड हार्टेड स्टोन हार्टेड यानी कि रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब किसी पॉइंट पे आप खड़े हो गए कि नहीं भाई ये ऐसा ही है तो फिर वो भले ही सही हो गलत हो आप किसी की नहीं सुनोगे दैट इज अ रिजिड पर्सन इज लाइक नेक्स्ट इज इनसेंसिटिविटी यानी जब किसी चीज के लिए आप बहुत इनसेंसिटिव हो आपको किसी की फीलिंग्स किसी के इमोशंस के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता दैट इज वॉट इनसेंसिटिविटी मीन्स नेक्स्ट इज कोल्डनेस सेम चीज कोल्डनेस का मतलब क्या होता है कि भाई जब बहुत कठोर होता है इंसान स्टोन हार्टेड कोल्ड सेम चीजें रिपीट हो रही है बस आपको डिफरेंट वर्ड्स दे दिए नेक्स्ट इज यानी कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो राइट right? या फिर आप हर किसी से अलग रहो हर चीज में आपको अपना अलग ओपिनियन देना हो राइट right? वो क्या हो जाता है इन यानी कह सकते हो इन का मतलब सॉर्ट ऑफ इनसेविटी से रिलेटेड है कि भाई आपको हर चीज जो है वो आपके हिसाब से चाहिए राइट right? तो वो हो जाता है इन एंड नेक्स्ट इज

एवरेस्ट लास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी यानी ये वो वर्ड है जो फायर के लिए स्टैंड करते हैं देखो ग्रीड ठीक है लालच वही होता है बोला जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ट होती है किसी चीज की तो वो भी डिजायर ही है एवरेस्ट भी नेक्स्ट इज लास्ट लास्ट ऑल्सो इज वॉट स्ट्रॉन्ग वॉन्ट ऑफ समथिंग सो दिस इज ऑल्सो वॉट अ डिजायर नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा क्यों जब आपकी होगी नहीं आपके हिसाब से तभी तो झगड़े होंगे तो झगड़े होते क्यों है? वो सेल्फिशनेस ग्रीड की वजह से होते हैं तो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट भी एक फायर एक डिजायर को रिलेट करता है नेक्स्ट फ्यूरी फ्यूरी इज ऑल्सो किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा करना राइट right? क्यों करोगे गुस्सा जब वो चीज आपको नहीं मिल रही होगी या आपको वो चीज चाहिए तो यू विल बी वायलेंट फॉर इट राइट कि नहीं भाई चाहिए ही चाहिए तो वो क्या हो जाता है वो भी डिजायर या फायर को ही सिम्बलाइज करता है तो ये सारे वर्ड जो है वो फायर को सिम्बलाइज कर रहे हैं नेक्स्ट जितने भी वर्ड हैं दे विल सिम्बलाइज वॉट आइज क्रुअलिटी भी क्या है आइज जब आप क्रूअल कब होते हो जब आप किसी की फीलिंग्स इमोशंस को समझते नहीं हो तो आप उस तरीके से उसके साथ बिहेव करते हो रूड बिहेव करते हो दैट इज वॉट अलिटी स्टैंड फॉर तो ये क्या हुआ एक आईज का सिंबलाइजेशन हुआ नेक्स्ट इज वॉट इंटॉलरेंस अगेन कोई चीज टॉलरेट ही नहीं होती तो वो कब नहीं होगी टॉलरेट जब आपको वो चीज सही नहीं लगेगी राइट right? आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो सही है या गलत है तो वहां पे भी क्या हुआ आपने आईज यानी वो हेट्रेड वाली जो फीलिंग है उसको यहाँ सिंबलाइज किया है नेक्स्ट इज रिजिडिटी सेम चीज इनटॉलरेंट हो किसी चीज के लिए या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े हो गए हो कि हाँ भाई यही सही है जो मैं बोलता हूँ तो दैट इज वाटर रिजिडिटी मीन्स तो ये भी आइस को सिम्बलाइज करेगी नेक्स्ट इनसेविटी कोल्डनेस इनडिफरेंस और हेटरेड तो ये तीनों को तो हम एक साथ बोल सकते हैं इनसे हो किसी के लिए कोल्ड हार्टेड हो किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता या इनडिफरेंस हो ये तीनों ही चीजें क्या सिंबलाइज करती हैं आइस को क्लियर एंड फाइनली हेटरेड तो हमें पता ही है आइस स्टैंड फॉर आइस तो उसे कैसे लिख दोगे आइस स्टैंड फॉर क्रुअलिटी इनटॉलरेंस रिजिडिटी इनसे कोल्डनेस इन एंड हेटरेट क्लियर तो कौन सा वर्ड आइस के लिए कौन सा फायर के लिए स्टैंड करता है वी आर वेरी मच क्लियर विद इट क्लियर ऑल राइट

अगर हम बोले पेज और सेज तो पेज एंड सेज देख रहे हो साउंड जो है लास्ट में वो एक जैसा आ रहा है राइट सेम वे में अगर हम बोल रहे हैं फायर और फिर हम बोल रहे हैं डिजायर तो देखो लास्ट का साउंड क्या है सेम है फायर डिजायर तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना जिनका साउंड सेम आता है दैट इज वॉट अ राइम मीन्स ठीक है तो आप क्या करते हो ना जो वर्ड्स आपको सेम लगते हैं उनको एक अल्फाबेट से और जो साउंड्स आपको डिफरेंट लगते हैं उनको दूसरे अल्फाबेट से स्टार्ट करते हो अब पहला जो वर्ड होगा वो डेफिनेटली ए अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला है ठीक है और फिर अगर इसके बाद जो भी वर्ड है उसका मीनिंग सेम है नेक्स्ट में यानी सॉरी मीनिंग नहीं साउंड सेम है तो वो भी ए हो जाएगा ठीक है और अगर नहीं है सेम साउंड डिफरेंट साउंड है तो उसको आप अल्फाबेट बी या इस तरीके से लिखते हैं हम कि आप अल्फाबेट बी से सिंबलाइज कर दोगे ठीक है तो आप बिगिन किससे करोगे स्मॉल अल्फाबेट ए से और अगर सेम साउंड नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड में भी सुनाई दे रहा है तो वो भी ए हो जाएगा और अगर दूसरा साउंड है तो वो क्या हो जाएगा अल्फाबेट बी सेम वे में अगर ये जो बी का साउंड है वो आपको कहीं भी दिख रहा है तो वो भी बी हो जाएगा एंड अगेन अगर आपको ऐसा कोई साउंड मिलता है जो ना तो एक से मैच कर रहा है ना बी से मैच कर रहा है तो आप इसके बाद नेक्स्ट एल्फाबेट सी रख दोगे ऐसे जा जाके आपकी राइमिंग स्कीम बनती है क्लियर चलिए अब देखते हैं इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है तो पहले आपको वर्ड दिया है फायर तो ये तो हो जाएगा ए यानी फायर र ऐसा कोई साउंड आपको आएगा ल, जो वो क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट क्या है आइस फायर और आइस सेम है क्या साउंड नहीं तो ये क्या हो जाएगा बी क्लियर नेक्स्ट इज डिजायर अब देखो फायर डिजायर हाँ तो फायर और डिजायर का क्या आ रहा है सेम साउंड यानी फायर ए है तो डिजायर भी क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट इज वॉट फायर अगेन इट इज फायर तो फायर तो क्या है सेम तो ये हो गया सेम तो क्या बन जाएगा ये ए बी ए ए क्लियर नेक्स्ट बट इफ इट है Twice. Twice कहीं पे सुनाई दे रहा है yes. ice, twice. तो ये हो गया अब है क्या नहीं आइस हेट सेम साउंड नहीं तो दिस विल बिकम सी नेक्स्ट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस ट्वाइस और आइस का क्या है सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा बी देन इज ग्रेट अब हेट का साउंड आ रहा है ग्रेट में यानी ये सी है तो ग्रेट भी क्या हो जाएगा अल्फाबेट सी नेक्स्ट एंड वुड सफाइस सफाइस किसके साथ जा रहा है आइस के साथ तो ये भी क्या हो गया बी यानी राइमिंग स्कीम क्या हो गई ए बी ए ए और फिर क्या है बी सी बी सी बी तो ये हो गई आपकी कंप्लीट राइमिंग स्कीम तो बहुत ईजी होता है इस तरीके से आप राइमिंग स्कीम देखते हो क्लियर चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमें किस तरीके से आंसर करना है सो द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी सी बी सी बी यही थी भाई ए ए ए बी ए ए बी सी बी सी बी यानी कि पहला जो साउंड था वो नेक्स्ट जो लास्ट की दो लाइंस थी स्टैंडा के फर्स्ट स्टैंडा की उसमें रिपीट हो रहा था और जो ये वर्ड बी के लिए था आईज वो रिपीट हुआ था हमारे सेकेंड स्टैंडजा के फर्स्ट थर्ड और लास्ट लाइन में क्लियर और क्योंकि ये जो सी और ये सी यानी कि ये जो वर्ड्स थे वो डिफरेंट थे तो हमने वहां पर सी लगा दिया ले इस तरीके से आप राइमिंग स्कीम लिखते हो वेरी इजी तो सबसे पहले राइमिंग स्कीम आपने मेंशन कर दी एक साथ ए बी ए ए बी सी बी सी बी ठीक है अब ये राइमिंग स्कीम आपको क्या समझा रही है देखो राइमिंग स्कीम का मतलब क्या हुआ कि सेम साउंड वाले वर्ड यानी जो सेम साउंड है वो अपने पहले जो वर्ड जिसका साउंड सेम था उसको रिलेट कर रहा है यानी डिजायर जो वर्ड का साउंड है वो सेम साउंड था एज द वर्ड फायर तो डिजायर और फायर का क्या हुआ राइम और ये राइम ने क्या किया डिजायर और फायर को रिलेट किया क्लियर तो वो क्या हो गया राइमिंग स्कीम यानी राइमिंग स्कीम हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम किस वर्ड को किस वर्ड से लिंक कर रहे हैं क्लियर सो दिस राइमिंग स्कीम हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस देखो दो चीजों की बात हुई फायर और आइस अब कोई राइमिंग स्कीम ही नहीं हो तो कैसे पता चलेगा फायर किसे सिग्निफाई कर रहा है आइस किसे सिग्निफाई कर रहा है राइट right? तो यहाँ राइमिंग स्कीम की मदद से विदेल्प ऑफ द राइमिंग स्कीम वी आर एबल टू क्लियर आउट कि भाई कौन से वर्ड्स फायर को और कौन से वर्ड्स आइस को सिग्निफाई कर रहा है तो जो ये आइडियाज हैं दो अलग अलग आइडियाज हैं फायर और आइस के वो हमें किसकी मदद से पता चल रहे हैं राइमिंग स्कीम के क्लियर ऑल राइट द पोइट मैंशन दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड ऑफ दिस

राइट right, क्योंकि राइमिंग स्कीम आपको फायर और आइस के दो आइडियाज बता रही है अब वो दो आइडियाज है क्या वही तो आप इस आंसर में बताओगे क्लियर तो अगर ये सिर्फ टू मार्क का आंसर होता तो तो फिर डायरेक्टली आप यहां तक बस कंप्लीटली लिख देते ये थ्री लाइन वन टू मार्क्स के लिए इनफ है ऑलमोस्ट वन के लिए तो इनफ है टू मार्क्स के लिए चलो एक लाइन और एड कर देते ठीक है बट लॉन्ग आंसर टाइप आता है तो फिर आपको ये आइडियाज एक्सप्लेन करने पड़ेंगे क्लियर So both are the probable ends of the world to end. He talks about how fire represents desire and therefore can be a cause of end of the world. Frost also mentions frost means Robert Frost. Okay, Robert Frost also mentions eyes in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world. और पोयम के बीच में एकदम से दूसरी राइमिंग स्कीम स्टार्ट होती है जिसमें आइस की बात हुई है समझ लो राइमिंग स्कीम को लिंक करके आंसर है कि है कि इन बिटवीन जो एक डिफरेंट आइडिया आता है रॉबर्ट के द्वारा और वो है आइस और आइस सिंबलाइज करती है कोल्डनेस को जो कि एक और रीजन हो सकता है फॉर द वर्ल्ड टू एंड इन द सेकेंड स्टैंड यानी जिसकी राइमिंग स्कीम बी सी बी सी बी है ही से नोज ऑफ इनफ हेट इन द वर्ल्ड To be sure that even destruction through eyes would be sufficient to bring about the end of the world. रॉबर्ट रॉस का कहना है कि भाई मुझे जो है हेट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मैंने देखा है लोगों के बीच में कितना हेटरेट डेवलप हो रहा है कितनी इनसेंसिटिविटी डेवलप हो रही है और इसीलिए भी एक वन ऑफ द हो सकते हैं फॉर द वर्ल्ड टू एंड यानी पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस फायर को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो डिजायर उनके लिए मेन बोल सकते हो रीजन है फॉर द वर्ल्ड टू एंड बट फिर उन्हें जब आईस की बात सोची तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने बहुत हेट भी देखा है वर्ल्ड में और जिस वजह से मुझे लगता है कि जो लोग आईज का रीजन देते हैं फॉर द वर्ल्ड टू एंड वो भी सफिशिएंट हो सकता है क्लियर तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे डन ऑलराइट सो वी आर डन विद पोयम फायर एंड आइस यानी हमने पूरा चैप्टर अ लेटर टू गॉड उसमें प्रेजेंट द पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस के बारे में डिस्कशन कर लिया है एनसीआरटी सॉल्यूशंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं है? बट है? है, या पोयम का कोई भी स्टैंजा गिवन हो और उस पर बेस्ड अगर हमें क्वेश्चंस हो तो फिर हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे और बेस्ट थिंग इज ये क्वेश्चंस हम एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो दैट वुड बी मोर फन क्लियर सेकेंडली हमें जो है लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिपेयर करना है तो फॉर लेटर ऑफ गॉड डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस इन सब के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस क्लियर सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट वेरी सून विद द टॉपिक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय